हेलो मेरे चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिकेट माय वे। होप सब ठीक चल रहा है और सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लेके आ गया हूं मैं WCC3 की 1.1 वर्जन की नई बैटिंग टिप्स, बैक टू बैक छक्के कैसे मारते हैं। और इसके पहले हम थैंक यू बोलेंगे सुरेंद्र को, फर्स्ट व्यू फर्स्ट लाइक है ऑनलाइन राइवल का। आशीष थैंक यू WCC ऑनलाइन राइवल, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। आरती शर्मा थैंक यू, WCC3 खेलो, वही लेके आया हूं मैं WCC3 आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे। उस पे हैं यूपी ग्रुप, थैंक यू टेकी उज्ज्वल, शाहिद हुसैन जी थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। गेमिंग विद सेड हाय, थैंक्स भाई। मर्क्यूरियल गेमिंग बोल रहे हैं भाई फिर से कामयाब वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। और हाय परेश, ये देखिए शाउट आउट दे दिया है, अब हम अनसब्सक्राइब मत करना भाई। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खास वीडियो है, इसमें खास करके हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर शॉट की। बैक टू बैक छक्के आप हेलीकॉप्टर शॉट से कैसे मार सकते हो और भी जो अलग अलग शॉट्स हैं आप कैसे खेल सकते हो WCC 3 1.1 वर्जन में। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एक है आपको लॉफ्ट सेलेक्ट करना है, दूसरा आपको वो बार नीचे खींचना है आपकी पावर खींचने के लिए, और तीसरा आपको जो ऊपर लाइन है उस पर ध्यान रखना है कि बॉल लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है या फिर मीडियम पेस पर आ रहा है, क्योंकि ये पूरे के पूरे टिप्स उस पे ही निर्भर हैं। अगर आप उस पे ध्यान नहीं देंगे तो फटाफट विकेट जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके विकेट ना जाएं, एक बल्लेबाज को एकदम रखिए पिच पे एंड तक, तो आपका स्कोर अच्छा बनेगा और बैक टू बैक छक्के आप मार सकते हो। तो मैं स्लो मोशन में आपको दिखाऊंगा बार के हिसाब से कि अगर बॉल जल्दी आता है तो कब मारना है और बॉल लेट आता है तो कब मारना है और बॉल मीडियम पेस पे आता है तो कब मारना है। तो ये देखिए ज्यादा जल्दी नहीं है लेकिन थोड़ा सा जल्दी बॉल है, मीडियम में नहीं है। तो जैसे ही बॉलर बॉल छोड़ता है, इसमें ध्यान से देखिए, बॉल जब पहुंचती है यहाँ पर तब आपको बैट घुमाना है और ये देखिए, और खेलना आपको वहाँ है जहाँ फील्डर नहीं है बाहर, अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर खेलते हो तो कैच भी हो सकता है अगर फील्डर वहाँ पर है, तो खेलिए वहाँ जहाँ पर फील्डर नहीं है। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि अलग अलग टाइमिंग के शॉट आप कैसे मार सकते हो, बैक टू बैक छक्के आप कैसे मार सकते हो 1.1 में। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में ये वीडियो खास करके है कि कैसे मारना है परफेक्ट टाइमिंग के साथ, बॉल स्लो आ रही है तो कैसे मारना है, कब घुमाना है, बॉल फास्ट आ रही है कब घुमाना है, बॉल मीडियम आ रही है तो कब घुमाना है। तो ये देखिए तीन छक्के बैक टू बैक मारे मैंने, ये थोड़ी सी मीडियम पेस आ रही है, लॉफ्ट करना है, बार खींचना है और बॉल जब पहुँचती है यहाँ पर, अगर बॉल मीडियम पेस के आसपास आ रही है मतलब बीचों बीच वो ग्रीन बार दिख रहा है आपको, तो आपको बैट घुमाना है जब बॉलर के हाथ से बॉल छूटती है और पिच होने के बीचों बीच, वो ब्लू जो सर्कल है उसके उसकी पिचिंग होती है ये बॉल की, उसके और बॉलर के हाथ से बॉल छूटने के बीचों बीच आपको बैट घुमाना है अगर बॉल आ रही है मीडियम पीस पे और आपको खेलना है लेग साइड में, और ये जाएगा परफेक्ट टाइम का शॉट। और ये है दूसरा वाला, बैक टू बैक तीन छक्के मार के आपको दिखाऊंगा तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर शॉट। ये देखिए ये बॉल आ रही है लेट थोड़ी सी, ठीक है, लेट में आपको लॉफ्ट कर लेना है, बार खींच लेना है और यहाँ पर जैसे ही बॉल पहुँचती है वो ब्लू लाइन के पास तभी आपको बैट घुमाना है अगर बॉल आ रही है थोड़ी सी लेट। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर बॉल जल्दी आ रही है एकदम जल्दी, तो आपको जैसे ही बॉलर के हाथ से बॉल छूटती है आपको बैट घुमा देना है। अगर बॉल आ रही है मीडियम पेस पे तो बॉलर के हाथ से छूटने पे और पिच होने के बीचों बीच घुमाना है, और अगर बॉल आ रही है लेट तो आपको पिच होने के थोड़ी देर पहले बैट घुमाना। तो ये देखिए एकदम लेट आ रही है बॉल, और इसमें आपको जो बूस्टर मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको बूस्टर मिलता है जिसमें आपको बूस्ट एनर्जी मिलती है, वो फिलहाल है नहीं मेरे पास, अगले ओवर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आप जैसे ही बॉल पहुंचती है यहां पर, देखिए बॉल पिच होने के थोड़े टाइम पहले आप बैट घुमाते हो, तो अगर बॉल लेट आ रही है तो परफेक्ट टाइमिंग का ये देखिए तीसरा छक्का मारा हमने, और उसी के साथ हो गई हमारी हाफ सेंचुरी। तो दोस्तों एक बात यह है कि आपको एक बैट्समैन पकड़ के रखना है, उसको आउट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर बैट्समैन आउट नहीं होता है तो उसके टाइमिंग और उसकी जो एनर्जी है वो बरकरार रहती है और आपके बैक टू बैक छक्के जाते हैं। तो ये एक बार वापस देख लीजिए स्लो मोशन में, ये तीसरा छक्का मारा है बहुत ही शानदार MS धोनी के स्टाइल में, और ये मारा है लेग साइड में 6 रन के लिए। तो इसी के साथ हमारी 2 ओवर में 52 रन हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों 52 रन मारे हैं। नूरा जी थोड़ा सा साइड में हो जाइए, बिजी हैं हम, बाद में देखेंगे आपको। और इसी के साथ ये नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल में हमने एक और मारा है, और इसमें ये देखिए जो आपको दिख रहा है राइट साइड में वो बूस्टर बार, बैटिंग बूस्टर, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल जाती है, लॉफ्ट शॉट सेलेक्ट करिए,
बाहर खींची और ये देखिए थोड़ा सा स्लो बॉल आ रहा है तो इसको हम मारेंगे लेग साइड में और ये घुमाया लेग साइड में। तो जैसे बॉल थोड़ा सा पिच होने जाता है, पिच होने के पहले घुमाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो ग्रीन वाला परफेक्ट जोन कहाँ है। अगर वो आगे आ रहा है मतलब बॉल फास्ट आएगी, अगर वो पीछे आ रहा है तो बॉल थोड़ी सी स्लो आएगी, उसी हिसाब से बैट घुमाना है। तो दोस्तों वो था हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में। ये हम बताएंगे आपको कि कवर्स के ऊपर से बेहतरीन छक्का कैसे मारते हैं। तो ये देखिए मीडियम पेस पे बॉल आ रही है, लॉफ्ट कर लेना है बॉल। जब यहाँ पर पिच और बीचों बीच होती है तो बॉल से थोड़ा सा पीछे हट जाना है, बॉल की पिचिंग से थोड़ा सा पीछे आना है आपको। और अगर आपको ऑफ साइड में मारना है तो जैसे ही रायना शॉट खेलते हैं वही साइड में आपको स्वाइप करना है। तो ये बैट्समैन बाहर निकल के कवर्स के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन छक्का मारेगा और यह देखने लायक शॉट है। तो दोस्तों थोड़ी सी डिफिकल्ट है 1.1 WCC 3 1.1 में बैटिंग करनी, लेकिन अगर आपको ट्रिक आ गई, अगर आपको पता चल गया कब बैट घुमाना है तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ा आता है बैटिंग करने में। तो ये देखिए ये वापस मैं हेलीकॉप्टर शॉट मार के दिखाऊंगा। इस बार मैंने बूस्टर लिया है क्योंकि मेरे पास बैटिंग बूस्टर था और ये बॉल जल्दी आ रही है। ध्यान से देखिएगा, लॉफ्ट सेलेक्ट कीजिए, बाहर खींचिए और बॉल जब यहाँ होती है आप बैट घुमा दीजिए, क्योंकि अगर जल्दी आ रही है तो जैसे ही बैट्स बॉलर के हाथ से बॉल निकलती है आपको थोड़ी देर बाद बैट घुमा देना है। उसको पिच और बॉलर के छूटने के बीचों बीच लेके नहीं जाना है, थोड़ा जल्दी घुमाना है ताकि परफेक्ट टाइमिंग हो जाए। और ये देखिए वापस एक मारा हेलीकॉप्टर शॉट धोनी के स्टाइल में और ये लंबा छक्का जाते हुए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि दो तीन चीज़ें आपको बैटिंग करते समय याद रखनी है कि पहले तो वो बार को देखना है कि बार कहाँ पर है, जल्दी आ रही है बॉल या लेट आ रही है, लॉफ्ट सेलेक्ट कर लेना है, पूरा खींच लेना है अपना पावर जो बैट का है। और अगर आपके पास वो बूस्टर मिलते हैं तो आप वो बूस्टर का भी यूज़ करिए, उससे आपका शॉट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और सिक्स मारना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अगर और वीडियोज़ चाहिए तो अगर आपको WCC 2 के और 3 के वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोज़ हैं। अगली वीडियो जल्दी आ रही है, वो हम खेलेंगे ऑनलाइन राइवल। तब के लिए शबक है, बाय बाय, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।